भाजपा सरकार में प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का किया वादा। मुरादाबाद 2 सितंबर आपको सुरक्षा और सम्मान की सरकार के साथ रहना है या दबंगइयों और अपराधियों का समर्थन करने वालों का साथ देना है, यह आपको सोचना और समझना होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दी है। आगामी दिनों में 7 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। ये बात ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंडापांडी स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित रोजगार मेले में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुरादाबाद जनपद की 401 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने वहां आयोजित रोजगार मेले में 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र व विभिन्न योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को टेबलेट, चेक, आवास की चाबी आदि सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पीतल नगरी कहलाने वाला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। यह मुरादाबाद नए और विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय मुरादाबाद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। विकास के पंख लगाने के लिए सरकार के पास विजन होना चाहिए, इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधियों और सरकार को चुनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेशों में सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा बड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य है और अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 और सबसे अग्रणी मजबूत आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले के प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल अपराध का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि 2017 में उनकी सरकार बनने के बाद बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार और नौकरियां मिल रही हैं। सपा के साथ कांग्रेस भी त्रुटिकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार सुरक्षा के साथ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण को साकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो आपके बच्चों के हाथ में पढ़ाई के लिए टैबलेट और एंड्रॉयड मोबाइल फोन दे रही है, तो दूसरी ओर पूर्व में ऐसी सरकार थी जो तमंचा और गोली बंदूक थमाकर अपराध की ओर ले जाने वाली थी। कहाँ जाना है यह आप तय करें। उन्होंने आगे कहा कि हर काम देश के नाम और देश के लिए होना चाहिए, यही संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण पर चलने का आह्वान किया। हमें वही मार्ग चुनकर स्वामी विवेकानंद और अन्य पुरुषों के सपनों का विकसित भारत बनाने में जुटना होगा। तरीके से 60,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा फिर 40,000 नौजवानों के लिए फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र देने जा रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर 2 लाख नौजवानों को केवल सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर आया जो निवेश है इस निवेश में नौकरी देने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य नहीं है, अब उत्तर प्रदेश देश का प्रगति का और देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर आपके इस उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है कि नहीं बनानी है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा तो बहनों और भाइयों यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी 3 से 4 गुना होगी, प्रति व्यक्ति आय 4 गुना तक हो जाएगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी सम्मान पाएगा, हर श्रमिक के श्रम का सम्मान होगा और उत्तर प्रदेश के लिए आज आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ हम सब आज यहां पर आए हैं। ये जो विकास होगा ये विकास आपके सपने को पंख लगाने के लिए ही किया जाने वाला एक प्रयास है। कब तक हम जाति मत और बचत के आधार पर बढ़ करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भी
इस कुत्सित मनसा के साथ आगे बढ़ेंगे। इन लोगों का समय था, ये पंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे और फिर वोट बैंक के लिए पुष्टिकरण भी करते थे। हमने तो कहा कि हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ और सबका विकास। कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम ये सुरक्षा भी दिए, लेकिन आज यह मंच आया है आपके पास सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी की बात कही थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 50 कंपनियों को आना था, मुरादाबाद का नाम सुनकर के 100 कंपनियां यहां पर आई हैं, 100 कंपनियां रोजगार का सृजन हुआ था 10,000 के लिए। और यहां पर आने के बाद जब कंपनियां बढ़ी हैं, इनकी संख्या बढ़कर के हुई है 15,000। तो अब आपको उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, सम्मान भी तो सुरक्षा भी। और इसी के लिए हम लोग चाहते हैं, जब मैं भी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से आ रहा था तो वहां पर था, मैं देख रहा था हमने उत्तर प्रदेश में 7,200 पुलिस बल में भर्ती कर रहे हैं। इसमें हमने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती किए हैं। हमने उसमें 20-20 की बेटियों को भरा है, ये 7,200 में भी बेटियों 20-20 की सीटें लेंगी। और अकादमी में जब डिप्टी एसपी के पद पे मैं देख रहा था तो 74 में से 18 केवल बेटी वहां पे डिप्टी एसपी बनी है। केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित सभी योजनाएं दी गई हैं। अगर आप पैकेट को देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, सरकार की दिशा एक सही और सकारात्मक दिशा में ये आगे बढ़ रहा है और वहां निरंतर आगे बढ़ने जा रही है। बहनों और भाइयों, आज हम सब न केवल यहां पे उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए गुरु अमरेश्वर विश्वविद्यालय भी आपको मिल चुका है और हमारे खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले हैं। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई और परिणाम है कि हॉकी इंडिया अपने गौरव को फिर से आगे बढ़ा रही है। हॉकी इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल जीता है। पिछली बार एक खिलाड़ी उनकी से था, इस बार हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुजफ्फरनगर की बेटी पूजा पाल पैरालंपिक पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेल में 2 मेडल अब तक जीत चुकी है, 2 मेडल जीत चुकी है। उस बेटी को मैं बधाई देता हूं, ये सब खिलाड़ियों को एक बड़ा समारोह करके फिर से सम्मान देंगे। एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अपने सुगम मार्ग को भविष्य आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करिए, आगे बढ़िए, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि मेरा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम होना चाहिए। देश से बढ़कर भी कुछ नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी समृद्धि के सपने को साकार करने के परिश्रम कर पाएंगे। और इसका रास्ता जाता है हमें व्यक्तिगत कर्तव्यों से,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंच प्रण की बात कही वो उसमें व्यक्तिगत नागरिक कर्तव्य की बात भी कही है, और ये नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता की नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से जिन युवाओं को आज स्मृति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें बधाई, जिन्हें ऋण पत्र किया है प्रदान हुआ है उन सभी उद्यमियों और नौजवानों को नए उद्यम स्टार्टअप स्थापित करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और जिन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट प्रदान किए गए हैं, इन सभी युवाओं को भी फिर से बधाई देते हुए 400 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के लिए मुरादाबाद वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और खास तौर पर कुंदरगी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आप युवाओं को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।